फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्षा किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पालक और पनीर के पराठे। ये बहुत ही हेल्दी हैं, तो आप इन्हें बच्चों के लिए जरूर बनाएं, उन सबको बहुत पसंद आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं पालक और पनीर के पराठे बनाना। पालक पनीर के पराठे बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम पालक। इसकी डंडियां निकाल के मैंने छोटा छोटा काट के अच्छे से साफ कर लिया है। 300 ग्राम गेहूं का आटा और 100 ग्राम पनीर हमें चाहिए। पराठे में डालने के लिए 1 चम्मच नमक और 3 से 4 हरी मिर्च, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो इनकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच अदरक ग्रेट किया हुआ और थोड़ी सी हींग। आटा लगाने के लिए हमें चाहिए गुनगुना पानी और पराठे सेकने के लिए रिफाइंड ऑयल। सबसे पहले हम गेहूं के आटे को छान लेंगे। आटा हमने छान लिया है, अब जो कटा हुआ पालक है इसको मिला देंगे। इसमें लाल मिर्च पाउडर, नमक, हरी मिर्च, अदरक ग्रेट किया हुआ और जो पनीर लिया था इसे हम इसमें ग्रेट करके डालेंगे। पनीर भी हमने ग्रेट कर लिया है, अब हम इसमें जो हींग ली थी उसे मिला देते हैं और गुनगुने पानी की सहायता से इसका डो तैयार कर लेंगे। इसे अच्छे से एक बार मिला लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसमें सख्त डो तैयार करेंगे। पराठे का आटा हमारा लग चुका है, अब हम पराठा स्टार्ट करेंगे बनाना। तवे को गैस पर रख दिया है और अब हम पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। और एक प्लेट में हमने सूखा आटा ले लिया है, तो अब हम पराठे की लोई बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हाथों से थोड़ा आटा लगा लेंगे, जिससे आटा हमारा हाथों पर चिपकेगा नहीं। इस तरह से गोल लोई तैयार कर लेंगे। और इसे हम सूखे आटे पे अब इसको इसे हमने 6 इंच के व्यास में बेल लिया है, तो अब हम इसमें ये ऑयल लगा लेंगे। इसे मैं चौकोर शेप का आकार दूंगी, आप चाहो ट्रायंगल, गोल कोई भी बना सकते हो। एक बार तेल और लगा लेते हैं। देखिए पराठे की लोई हमारी अच्छे से तैयार है, तो अब हम इसे सूखा आटा एक बार फिर से लगाएंगे। लेंगे कि ये चौकोर ही रहे, देखिए इस तरह से। देखिए पराठा हमारा बेल चुका है, इसे आप थोड़ा मोटा ही बेलें। तवे पे थोड़ा सा तेल डाल देते हैं और पराठे को इसके ऊपर डाल देंगे और इसे मीडियम गैस पे हम सेकेंगे, जिससे हमारा पराठा बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। 1 मिनट हो गई है, देखिए एक तरफ से हमारा पराठा हल्का सा सिक चुका है, इसे हम पलट देते हैं। दूसरी साइड से भी इसी तरह से सीकेंगे, फिर हम इस पर तेल लगाएंगे। देखिए पराठा हमारा ऊपर की साइड से भी सिक चुका है, तो इसे हम पलट देंगे। अब हम इसमें ये रिफाइंड ऑयल लगाएंगे, गैस को बिल्कुल लो कर देंगे, जिससे हमारा पराठा जले ना और अच्छे से क्रिस्प सके। इसको पलट देते हैं, इस साइड भी अच्छे से तेल लगा देंगे। पराठा हमारा दोनों साइड से अच्छे से सिक चुका है, तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। पराठा हमारा तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।